हेलो गाइस, तो आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, वैन यूलर डायग्राम। किसके बारे में? वैन यूलर डायग्राम के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम लोग ये जानेंगे कि ये वैन यूलर डायग्राम होता क्या, इसको किसको बोलते हैं वैन यूलर डायग्राम। तो ये क्या होता है कि द कॉम्बिनेशन ऑफ, ये क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है रेक्टेंगल और सर्कल्स का। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, द कॉम्बिनेशन, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेक्टेंगल एंड सर्कल्स इज कॉल्ड, क्या कहलाता है, वैन यूलर डायग्राम। और इसको हम लोग सिंपली क्या बोलते हैं, वैन डायग्राम। क्या बोलते हैं? सिंपली वैन डायग्राम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैन डायग्राम, ठीक है फ्रेंड्स। इसका यूज हम लोग डिफरेंट टाइप के सेट्स और उसके ऊपर होने वाले ऑपरेशन में यूज करते हैं कि उस पर क्या क्या ऑपरेशन हो सकता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेशंस होते हैं उसको दिखाने के लिए यूज करते हैं। तो सबसे सिंपली जो हम लोग का ये है रेक्टेंगल, इसका जो ये क्या होता है, रेक्टेंगल और सर्कल का कॉम्बिनेशन। तो इसमें रेक्टेंगल से हम लोग यूनिवर्सल सेट को दिखाते हैं। कैसे को दिखाते हैं? यूनिवर्सल सेट को। इसका मतलब क्या होगा, उस कॉन्टेक्स्ट के सारे एलिमेंट इस रेक्टेंगल के अंदर आएंगे। उसके अलावा जो अलग अलग सेट्स होते हैं उसको हम लोग किससे दिखाते हैं, सर्कल से, ठीक है। जैसे सेट ए है तो उसको हम लोग ए से दिखा दिए, या कोई सेट बी है तो हम लोग उसको ऐसे दिखा दिए, ठीक है, ये सेट बी। उसके अलावा मान लेते हैं कोई सेट सी है तो उसको हम लोग ऐसे दिखा दिए, कोई सेट डी है तो उसको हम लोग अलग। तो ये क्या होता है, उसके अंदर जितने भी सेट्स होंगे वो क्या होंगे, अलग अलग सर्कल के रूप में दिखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये होता है वैन यूलर डायग्राम। तो इसमें इसका यूज हम लोग सेट्स पे होने वाले ऑपरेशंस में करते हैं। तो वो कौन कौन सा ऑपरेशंस होता है वो देखते हैं, ठीक है, कि ऑपरेशंस ऑन सेट, सेट्स पे क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। तो सबसे पहला जो होता है वो होता है यूनियन। क्या होता है? यूनियन ऑफ सेट्स, यूनियन ऑफ सेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग जैसे देखते हैं कि कोई भी सेट हमको एक यूनिवर्सल सेट यू दिया हुआ है, जिसमें क्या है हम लोग का, वन है, टू है, थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, ए यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे एलिमेंट्स। इसके अंदर एक सेट ए है जिसमें मेरा जो है ना एलिमेंट है वन है, टू है, थ्री है, फोर है, सेट ए हो गए। दूसरा सेट हम लोग डिफाइन बी को करते हैं जिसके अंदर क्या हो जाएंगे, थ्री फोर फाइव सिक्स, ये सारे एलिमेंट आ गए, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये जो दो सेट्स है हम लोग के पास यूनिवर्सल सेट के अलावे, इसमें हम लोग देखेंगे कि जो यूनियन ऑपरेशन हो कैसे होगा, और उसको हम लोग दिखाते किससे हैं, ए यूनियन बी। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी, क्या पढ़ेंगे, ए यूनियन बी। और ये ऑपरेशंस होता क्या है ये देखते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ए और बी के सारे एलिमेंट्स। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स कौन हो जाएंगे, वन टू थ्री फोर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये ए के सारे एलिमेंट्स हो गए, बी के सारे एलिमेंट्स लिखने, तो थ्री फोर फाइव सिक्स, तो थ्री फोर ऑलरेडी आ चुके हैं, तो अब सिर्फ क्या लिखना पड़ेगा, फाइव और सिक्स। तो इसका मतलब है कि इस सेट से हम लोग ए और बी को बिल्डअप कर सकते हैं। तो ये हम लोग का क्या कहलाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो दैट मीन्स ये क्या होगा, यूनियन कहलाएगा। क्या ऑपरेशन कहलाएगा, यूनियन। तो यूनियन में क्या होता है कि ए और बी के ही एलिमेंट होते हैं, इसमें जितने सारे एलिमेंट्स वो क्या होंगे, ए और बी के एलिमेंट्स होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये मेरा क्या है, ए और बी के एलिमेंट है। इसके अलावा और हम लोग कोई भी एलिमेंट्स नहीं लिख सकते, जैसे हम लोग यहाँ सेवन लिखे तो ये यूनियन नहीं होगा, सिर्फ ए और बी के ही एलिमेंट्स लिखने होंगे। और उसके अलावा जो एलिमेंट कॉमन है वो दो बार नहीं, सिर्फ कितना बार लिखना पड़ेगा, एक बार, ठीक है। तो कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिखते हैं, ये हम लोग का यूनियन ऑपरेशन होता है। दूसरा ऑपरेशन हम लोग का होता है इंटरसेक्शन। क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। तो यही जैसे हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं कि एक यू यूनिवर्सल सेट है, ए और बी हम लोग का क्या है, टू डिफरेंट सेट्स। अगर हम लोग का ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना हो, ए और बी का क्या करना है, इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको हम लोग दिखाते हैं कैसे, ए इंटरसेक्शन बी, इसको क्या पढ़ेंगे, ए
ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके अंदर क्या क्या एलिमेंट्स आते हैं? वैसे एलिमेंट्स जो सिर्फ ए और बी में कॉमन है, तो कॉमन एलिमेंट्स हम लोग का क्या है, थ्री और फोर। इसमें देखते हैं कि ए और बी में कॉमन क्या पार्ट्स है, थ्री दोनों में है, फोर क्या है दोनों में। उसके अलावा वन टू ए में तो है लेकिन बी में नहीं है, फाइव सिक्स बी में है लेकिन ए में नहीं है। दैट मीन्स इसमें क्या होगा कि कॉमन एलिमेंट्स आता है, क्या आता है, कॉमन एलिमेंट्स। इंटरसेक्शन का क्या मतलब, अगर हम लोग दो सेट्स पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स उन दोनों में जो कॉमन एलिमेंट आएगा वो इसमें आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि एक और चीज होता है इंपॉर्टेंट, डिसज्वाइंट सेट। इसको क्या बोलते हैं, जो एक चीज हम लोग का इंपॉर्टेंट आता है, डिसज्वाइंट सेट किसको बोलते हैं, ठीक है, डिसज्वाइंट सेट्स। ये क्या होता है कि दो सेट के पे अगर हम लोग ऑपरेशन दिखाएं कि टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी डिसज्वाइंट इफ, क्या होगा कि दो सेट, सपोज दैट सेट ए है, इसके अंदर हम लोग कुछ एलिमेंट ले लेते हैं वन टू थ्री फोर। अब जो नया सेट हम लोग का बी बनेगा उसको हम ऐसा लिख दें, फाइव सिक्स सेवन। फ्रेंड्स अगर अब हम लोग ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, सारे एलिमेंट्स आ गए फ्रेंड्स। अगर यहाँ हम लोग ए इंटरसेक्शन बी निकालें, क्या निकालें, ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ कोई एलिमेंट नहीं है, कोई एलिमेंट, ये तो फाइव हो जाएगा। इसको हम लोग कैसे दिखाएंगे, फाइव से, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये इस फॉर्म में होंगे या इसको हम लोग फाइव से दिखा सकते हैं, मतलब यहाँ क्या हो गया, ए इंटरसेक्शन बी में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा है। तो ये दोनों सेट्स हम लोग के ए और बी अब क्या कहला जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट। ये क्या कहला जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट्स। तो डिसज्वाइंट सेट्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट कंडीशन आ गया, ए इंटरसेक्शन बी अगर हम लोग का फाई आ जाए या नल सेट आ जाए, दैट मीन्स वो क्या हो जाएंगे, डिसज्वाइंट सेट्स, क्या कहलाएंगे, डिसज्वाइंट सेट्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट यूनियन ऑपरेशन को हम लोग अगर वेन डायग्राम में दिखाएं तो कैसे दिखाएंगे, ये जैसे हम लोग का ये क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये सेट ए हो जाएगा, ए सेट सपोज दैट ये हो गया, ठीक है, और दूसरा सेट हम लोग का क्या हो गया, बी, ये हम लोग का क्या हो गया, सेट बी। तो ये जो कलर्ड पार्ट हम लोग कर रहे हैं, ये हम लोग किस चीज को रिप्रेजेंट करेगा, यूनिवर्स सेट में से यूनियन पार्ट को, किसको दिखाएगा, यूनियन पार्ट को। ये बाहर जो होंगे वो कोई नहीं हिस्से हिस्सा लेंगे, तो ये जो मेरा कलर्ड पार्ट है ये क्या होगा, ए और बी का यूनियन होगा। दैट मीन्स कि ए और बी के सारे एलिमेंट्स, उसके अलावा जो कॉमन एलिमेंट्स है वो भी शामिल है, ठीक है फ्रेंड्स। अगर वही हम लोग को ये किस चीज़ का ऑपरेशन हो जाएगा, यूनियन का। नेक्स्ट अगर हम लोग इंटरसेक्शन का ऑपरेशन दिखाएं तो इसमें क्या होगा कि फिर से हम लोग एक रेक्टेंगुलर बॉक्स लेंगे, सपोज दैट ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ये सेट ए हो गया, ये हम लोग का क्या हो गया, सेट बी हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। सेट ए हो गया, ये क्या हो गया, सेट बी हो गया। अब इसमें जो कॉमन पार्ट्स होता है वो इंटरसेक्शन के अंदर आता है, ये क्या होता है, इंटरसेक्शन। ये क्या हो, ये पार्ट किस चीज को दिखाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को, ये किसको दिखाएगा, ए इंटरसेक्शन बी को। और यहाँ जो कलर्ड पार्ट है वो किसको दिखाएगा, ये यूनियन बी को, ठीक है फ्रेंड्स। तो एक चीज हम लोग देख गए कि क्या होता है, तो सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है। डिफरेंस ऑफ सेट्स नेक्स्ट हम लोग का क्या ऑपरेशन आएगा, डिफरेंस ऑफ सेट्स, किस चीज को देखेंगे, डिफरेंस ऑफ सेट्स को। डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होता है, तो कहीं पे सपोज दैट हम लोग सेट ए इक्वल टू मान लेते हैं, क्या दिया हुआ है, वन टू थ्री फोर, ठीक है फ्रेंड्स। और सेट बी इक्वल टू हम लोग का क्या दिया हुआ है, फोर सिक्स सेवन, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ए माइनस बी बोले, क्या बोले, ए माइनस बी, तो इसका मतलब सेट ए में जो बी का एलिमेंट है घटा देना। तो सेट ए में कौन कौन से एलिमेंट है, वन टू थ्री फोर, इसमें बी के एलिमेंट क्या है, फोर सिक्स सेवन। फोर घटाएंगे तो यहाँ से फोर हट जाएंगे, लेकिन सिक्स सेवन है नहीं तो उसको मतलब घटा नहीं सकते। तो इसके अंदर ये कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे फ्रेंड्स, ध्यान से देखिए, तो वन आ जाएंगे क्योंकि वन तो बी घटा नहीं पाएगा, टू रह जाएगा, थ्री रह जाएगा, और फोर हम लोग का घट जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो मतलब क्या करना है कि इसका डिफरेंस कहने का क्या मतलब, सेट ए में बी को घटाना है। दैट मीन्स सेट ए में जो अगर बी का कोई एलिमेंट है तो उसको क्या कर देना है,
हटा देना है, तो ये हम लोग का ए माइनस बी हो जाए। सिमिलरली अगर हम लोग बी माइनस ए करें, मतलब बी सेट से क्या करेंगे, ए का जो एलिमेंट है, बी में क्या है, 4 6 7 है, क्या है, 4 6 7 है, तो उसमें से हम लोग क्या घटा सकते हैं, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 तो है नहीं, तो घटेगा नहीं, तो घटेगा क्या, सिर्फ 4, तो बच यहाँ क्या जाएंगे, 6 और 7, क्योंकि इसको ए नहीं हटा पाएगा, ए सिर्फ यहाँ से किसको हटा पाएगा, 4 को, क्योंकि उसके पास 4 है। दैट मीन्स ये हम लोग का क्या हो गया, बी माइनस ए। तो ये हम लोग का सिंपली डिफरेंस होता है कि किसी भी सेट्स का अगर हम लोग डिफरेंस निकालना है तो क्या होगा। नेक्स्ट एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है, ऑपरेशन आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या आता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। एक और इम्पॉर्टेंट टर्म आता है सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या होता है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, तो इसको हम लोग दिखाते कैसे फ्रेंड, जैसे ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना है तो ये कैसा होगा, इसको इस टाइप से दिखाते हैं, ठीक है। ये जो डेल्टा टाइप का सिंबल है इससे हम लोग किसको दिखाते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस को, ठीक है फ्रेंड्स। ये हम लोग का क्या होता है, इसको क्या बोलेंगे, ए इज सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी। सिमेट्रिक डिफरेंस टू बी, या इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी, इसको क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, इसको क्या पढ़ेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ठीक है फ्रेंड्स। तो ए और बी का कोई सिमेट्रिक डिफरेंस दिखाना है तो इसको हम लोग ऐसे पढ़ेंगे। तो इसका मतलब क्या होगी, अगर कहीं पे ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या हो गया, ए माइनस बी निकालना है, ठीक है फ्रेंड्स। उसका यूनियन क्या कर देना है, बी माइनस ए से। ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर सिमेट्रिक डिफरेंस लिखने का क्या मतलब है, कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो प्रीवियस एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे कि ए के अंदर हम लोग का कौन कौन सा एलिमेंट था, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। और हम लोग सेकंड बी मान लेते हैं, हम लोग का क्या था, 3 4 5 6। तो यहाँ से अगर हम लोग फ्रेंड्स ए माइनस बी करें तो क्या हो जाएगा, ए में से बी का एलिमेंट हटा दें, कौन कौन हट जाएगा, 3 4 बच कौन जाएंगे, 1 और 2, ठीक है फ्रेंड्स। अब अगर हम लोग बी माइनस ए ऑपरेशन करें तो बी में से एक एलिमेंट फिर से 3 4 हट जाएंगे, क्या बच जाएंगे, 5 और 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर यहाँ से हमको ऐसा निकालना है सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, तो क्या होता है, ए माइनस बी, तो ए माइनस बी 1 2 हो गए, और 5 एंड 6, तो इसके यूनियन जब हम लोग लिखेंगे तो क्या हो जाएंगे, 1 2 5 6, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको ध्यान से देखिए कि इसका कहने का क्या मतलब है, कि ए यूनियन बी में क्या हो गया, कि ए और बी के इंटरसेक्शन पॉइंट को हटा देना है, इसका क्या मतलब हो गया, ए माइनस, अगर यहाँ से हम लोग ए यूनियन बी निकालें, क्या निकालें, ए यूनियन बी, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसके अंदर क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, और ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएंगे, अगर ए और बी का इंटरसेक्शन निकालना है, कि ए इंटरसेक्शन बी, तो ये दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, 3 और 4 है, तो दैट मीन्स क्या हो गया, सिमेट्रिक डिफरेंस यहाँ से हम लोग का क्या आ गया, ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए बी क्या हो गया, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है फ्रेंड्स। ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन बी वाले पार्ट को हटा दें तो ए यूनियन बी में ये सारे एलिमेंट्स इंटरसेक्शन में क्या आ जाएंगे, ए और बी में जो कॉमन पार्ट्स हैं, तो दैट मीन्स कि 1 2 5 6 रह जाएंगे, जो कि हम लोग का क्या है, ए इंटू ए एन सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। नेक्स्ट होता है हम लोग का कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है फ्रेंड्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स, तो ये कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कि कोई भी सेट जैसे ए दिया हुआ, एक यूनिवर्सल सेट यू मान लेते हैं, जिसका वैल्यू 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है फ्रेंड। कोई सेट ए है हम लोग का, वो क्या है, 1 2 3 4 है, ठीक है फ्रेंड्स। और सेट बी हम लोग का क्या है,
थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, मतलब इसको हम लोग ए डैश से भी दिखाते हैं और ए कॉम्प्लीमेंट से भी दिखाते हैं, या एक और तरीका होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, सी ऑफ ए लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। क्या होता है, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अगर यहाँ से निकालें तो क्या होगा, यूनिवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 है, उसमें से 1 2 3 4 घटा देंगे तो क्या बच जाएंगे फ्रेंड्स, 5 6 7, ये ए का कॉम्प्लीमेंट हो गया। सिमिलरली हम लोग को बी का कॉम्प्लीमेंट निकालना है, ठीक है, बी डैश, या इसको बी टू द पावर सी भी लिख सकते हैं या सी ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ठीक है। क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 में क्या हट जाएंगे, 3 4 5 6, तो बच क्या जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 तो हट गए, 1 6 2 और क्या बच जाएंगे, 7। ये क्या हो गया, बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो कॉम्प्लीमेंट में हम लोग क्या देखते हैं, कहीं पे ए प्लस ए का कॉम्प्लीमेंट को हम लोग ऐड करें तो वो क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट। क्या आ जाता है, यूनिवर्सल सेट, ठीक है फ्रेंड। इसको अगर हम लोग वैन डायग्राम में दिखाएं, किसमें दिखाएं, वैन डायग्राम में, सपोज दैट ये सेट ए है, तो उसके अलावे जो ये बचा हुआ पार्ट रह गया, ये उसका किसको दिखाएगा, कॉम्प्लीमेंट को। ये सेट ए हो जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे, ए के कॉम्प्लीमेंट, और ये हम लोग का क्या होगा, यूनिवर्सल सेट, ठीक है फ्रेंड्स। ये पार्ट हम लोग का क्या, ए डैश भी कहलाएगा। तो इस तरह से हम लोग कॉम्प्लीमेंट को दिखाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया तो जरूर इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि सम इम्पॉर्टेंट रूल्स क्या होते हैं ऑपरेशंस ऑन द सेट थ्योरी के। थैंक यू फ्रेंड्स।